नमस्कार, मैं अवधेश आज YouTube के अपने चैनल अवधेश भाई फॉर हिस्ट्री पे 5वां वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है मोहनजोदड़ो। एक्चुअली मोहनजोदड़ो का जो हम स्टडी करने जा रहे हैं आज, उसमें मोहनजोदड़ो का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है उसके आधार पे जो चीजें लिखी गई हैं क्लास 12th के बुक में, हिस्ट्री के बुक में, हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। और मैंने पहले ही बता दिया था कि मोहनजोदारो के आधार पे उनके जो सिटी, मोहनजोदारो जो सिटी, जो टाउन है, उस टाउन का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे ही लगभग हरप्पन सिविलाइजेशन के प्रत्येक टाउन की बात की जाती है। चलिए, मोहनजोदारो में जो हम चार टॉपिक के रूप में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। जो पहला है प्लांड अर्बन सेंटर, प्लांड अर्बन सेंटर, या इसको बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदारो कैसा था। तो प्लांड अर्बन सेंटर के रूप में ये डेवलप हुआ था। अब किसको बोलते हैं प्लांड अर्बन सेंटर, ये हम आगे बात करेंगे। दूसरा हम सिटाडल, मतलब उसके स्ट्रक्चर टू पार्ट थे, तो उसमें एक पार्ट सिटाडल है, दूसरा है लोअर टाउन। लोअर टाउन के को ही, जो लोअर टाउन का जो आर्किटेक्चर है उसी को डोमेस्टिक आर्किटेक्चर आप बोल सकते हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे। बुक में इसी को डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के रूप में डिस्क्राइब किया गया। और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के अंदर, लोअर टाउन के अंदर जो ड्रेन्स और रोड्स की जो स्थिति थी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ए प्लान अर्बन सेंटर के रूप में मोहनजोदारो की स्थिति क्या थी। सबसे पहले बात यह कि प्लान अर्बन सेंटर होता क्या है। प्लान अर्बन सेंटर का मीनिंग यह है कि अगर आप पहले रोड, ड्रेन्स की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एक रोड मैप है, जो खाका है, आपने तैयार कर लिया, फिर उसके बाद आपके आवास कहाँ होंगे, अगर ये आप डिसाइड करते हो और ये सारी चीज डेवलप करके फिर आप उसमें रहना शुरू करते हो, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स, इस तरह के जो टाउन होते हैं वो प्लान्ड टाउन बोले जाते हैं या प्लान्ड अर्बन सेंटर बोले। ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया नहीं वर्ल्ड के हिस्ट्री में एक स्ट्राइकिंग फीचर है हरप्पन सिविलाइजेशन का, कि हरप्पन सिविलाइजेशन के मोस्ट ऑफ द टाउन्स वेयर प्लान्ड अर्बन सेंटर, मींस दे अरेंज्ड द रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, द ट्रेड फॉर देयर, द ट्रेड सिस्टम एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, एंड दिस ऑल थिंग्स वेर वेल मेंटेन्ड। इंडिया में अभी आप फाइंड आउट अगर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में, जबकि हम मॉडर्न एज में रह रहे हैं, तब पर भी हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं वो प्लान, बहुत ज्यादा प्लान्ड अर्बन सेंटर्स नहीं है। कुछ ही सिटी, मेजर सिटीज हैं जो वेल प्लान्ड रूप में डेवलप किए, जैसे कि चंडीगढ़ की बात हमने की थी, या कर सकते हो कुछ भुवनेश्वर के कुछ पार्ट्स हैं, इस तरह के कुछ सिटीज हैं जो प्लान अर्बन सेंटर के रूप में डेवलप किया। ज्यादातर इंडिया के छोटे छोटे टाउन्स हैं, जो सिटी, जो मिडाइवल सिटीज थे, ये सब सिटी इस तरह से डेवलप किए गए थे कि लोगों ने रहना शुरू किया तो फिर वहां घर बनते चले गए, बाजार बनते चले गए, और जब लोगों ने रहना शुरू किया तो उनकी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए फिर उसमें रोड बनाने शुरू किए गए, फिर उसमें नालियां बिछाई गई, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया गया। तो ये प्लान सिस्टम नहीं है, पहले हमने जाके रहना शुरू किया, फिर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए सिस्टम उसमें डेवलप किए, ये प्लान नहीं है। प्लान वो है कि आपको रहने के बाद आप किन किन चीजों, एक टाउन में किन किन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए वो पहले ही आपने सोच लिया, पहले ही आपने सोचा एक टाउन के लिए अच्छे रोड होना चाहिए, रोड में ब्लॉक कार जो उस तरह के, उस टाइम की अगर बात करेंगे या इस टाइम की बात करेंगे तो कितने चौड़े रोड होना चाहिए, ग्रीनरी का क्या प्रोविजन होना चाहिए प्रेजेंट, क्योंकि जो इशू है एनवायरमेंटल इशू बहुत बड़ा इशू है एक टाउन के लिए, तो ग्रीनरी का एरिया भी डिसाइड होना, ये सारी चीजें डिसाइड होना, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर लॉगिंग, तो ये वो बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि शहर डूब जाएगा। अगर इन चीजों को पहले ही आप सोच लेते तब एक सिटी डेवलप करते, तब उसमें रहना शुरू करते, तो ये प्लान अर्बन सेंटर कहलाएगा, इस तरह का सेंटर। तो मोहनजोदड़ो कुछ उसी तरह का सेंटर है, जो पहले ही सोचा गया कि रोड इतनी चौड़ी होनी चाहिए, रोड के बगल में ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, घर इस तरह के होना चाहिए ताकि सारी चीजें व्यवस्थित रहे। तो इसलिए
जो हरप्पन सिविलाइजेशन को एक प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। चलो अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर, तो मोहनजोदड़ो का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि एक तरफ जो है वो छोटा सा पार्ट है और दूसरी तरफ बड़ा सा पार्ट है। छोटा सा पार्ट जो है ये है, ये कहलाता है सिटाडल। सिटाडल बोलो या ऊपरी शहर बोलो या फिर किलानुमा शहर बोलो, जो भी बोलना आप इसको कई नाम दे सकते हैं। दूसरा जो था वो कहलाता था लोअर टाउन। ये सीटाडल अपेक्षाकृत ऊंचा होता था, लोअर टाउन अपेक्षाकृत नीचा होता था। अगर ये इस तरह से अगर आप इसको ले लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके हिसाब से ले लो तो ये पश्चिमी भाग है। जो सीटाडल है वह वेस्टर्न पार्ट में था और जो लोअर टाउन था वो ईस्टर्न पार्ट में था। इट वॉज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ टाउन एंड द सिटाडल वॉज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ टाउन। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं मोहनजोदड़ो के। अगर पूरे मोहनजोदड़ो सिटी को, टाउन को देखा जाए तो दो भाग में बटे और बोथ वॉज 45। ये भी 45 है, इसका मतलब सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया होगा, दोनों 45 है। और इसके ये जो है, ये जो अपर टाउन है ये पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, उस प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर कई बिल्डिंग्स बनाए गए। अब उसको सिटाडल जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये लोअर टाउन है, लोअर टाउन में जो कॉमन लोगों के लिए रहने का ये आवास था माना जाता है, प्रोडक्शन सेंटर्स भी हो सकते हैं, कॉमन पूल रह भी सकते हैं, ये सार्वजनिक चीजों के लिए शायद यूज होता होगा, ठीक है। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है मोहनजोदड़ो के। ओके अब हम बात करते हैं सिटाडल की। सिटाडल का स्ट्रक्चर क्या था इसको समझने के लिए, जो स्ट्रक्चर इसमें तो ऐसे माना जाता है कि इसमें जो भी बिल्डिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे फाइंड आउट करते हैं कि ज्यादातर इसकी जो बिल्डिंग्स है वो प्राइवेट बिल्डिंग्स नहीं है, वो शायद सार्वजनिक यूज के लिए, पब्लिक यूज के लिए वो बिल्डिंग्स बने थे, क्योंकि उनके सेप साइज ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा सेप साइज है। जैसे यहाँ पे जो दो स्ट्राइकिंग बिल्डिंग है, जो दो स्ट्राइकिंग फीचर्स है, जो मोन्यूमेंट्स है, जो आपके बुक में चर्चा की है क्लास 12th के बुक में, वो इसमें आता है। एक तो आता है ग्रेट बाथ और दूसरा आता है वेयर हाउस। ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस जिसको बोलते हैं माल गोदाम, या इसको अन्नागार भी बोलते हैं। और ये जो था ये ग्रेट बात था। इसको स्नानागार भी बोलते हैं। अब ये जो ग्रेट बाथ था इसके फीचर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहते हैं। सिटाडल के अंदर जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ का वेस्टर्न जो नॉर्दर्न पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट से स्टेयर केसेस बने हुए थे पानी में जाने के लिए, और साउदर्न पार्ट से भी नीचे के तरफ पानी में अंदर जाने के लिए बने हुए थे, और चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ था। कॉरिडोर के बाद यहां पे कई सारे रूम्स बने हुए थे, इन्हीं में से एक रूम्स में एक बहुत विशाल कुआं था। वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट में अगर देखा जाए तो एक गलियारा को छोड़ के कई सारे स्नान घर बने हुए थे, बाथरूम बने हुए थे। तो इस तरह से ये ग्रेट वॉल का स्ट्रक्चर था। ये बैट ब्रिक्स से बना हुआ था, इसके नीचे का जो परत था वो लाइमस्टोन से उसको मिला के उसको तैयार किया गया था, और इसके पानी को बाहर जाने के लिए भी प्रॉपर ड्रेन्स बने हुए थे। जो आपका ये है, ये वाला पार्ट जो वेयर हाउस का पार्ट है, वेयर हाउस का पार्ट का सिर्फ नीचे का जो इसका प्लेटफॉर्म है उसी का एविडेंस बचा हुआ है, इसके ऊपर का एविडेंस कुछ भी नहीं है। माना ये जाता है कि शायद ये लकड़ियों से बना हुआ था।
तो ये इसके बेसिक फीचर कुछ ऐसे भी इसमें बिल्डिंग्स हैं जो माना जाता है विश्वविद्यालय इस तरह के कुछ चीजें रही होंगी इस तरह से। बेसिकली आपको याद करना है कि ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस द मेन फीचर ऑफ सिटाडेल। ठीक है, सिटाडेल को समझने के बाद अब जो दूसरा पार्ट था जो बिगड़ था सिटाडेल से बिगड़ था, लेकिन सिटाडेल का महत्व अलग था क्योंकि सारणी की उसका जो बड़ा पार्ट था जो लोअर टाउन कहलाता था उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। वो कॉमन पीपल के रहने का एरिया था जहां पे लोग अपने जीवनचर्या को जीते थे। जो ये सीताडल का पार्ट है तो इस पार्ट में आप देखोगे सीताडल के पार्ट में आप देखोगे सीताडल के सीताडल नहीं ये लोअर टाउन का जो पार्ट है लोअर टाउन के पार्ट में अगर देखोगे तो इसके अंदर का जो रोड जो स्ट्रक्चर है इसमें दो चीजें हम देखेंगे लोअर टाउन में। लोअर टाउन में एक तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखेंगे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में, और दूसरा हम देखेंगे इसमें ड्रेन्स एंड रोड्स। इस तीन दोनों ये ड्रेन्स रोड्स और डोमेस्टिक तीनों को हम मिला के बताना चाह रहे हैं। इसमें इस तरह से है कि उसके जो रोड्स और ड्रेन्स हैं उसका कुछ इस तरह से है। ग्रिड पैटर्न, दिस इज कॉल्ड ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड एंड ड्रेन्स मतलब यह है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते थे इनके रोड्स और ड्रेन्स। ये इसके कई महत्व हैं। इसमें एक तो यह है कि रोड पे जो है सो ज्यादातर गंदगी जमा नहीं हो सकता है, हवा का फ्लो बना रहेगा, बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज है रोड के दोनों साइड में ड्रेन्स प्रॉपर बने हुए थे। रोड्स जो हैं जो जो ड्रेन्स हैं ड्रेन्स जो हैं इसके बैक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे, ड्रेन को के ऊपर के पार्ट को ढका गया था। अब जो घर से जो मान लो ये बीच में घर है, घर से जो पानी निकलता था और मेन ड्रेन में जो जो घर के ड्रेन का जो पानी का जो स्रोत था वो मेन ड्रेन में जाके मिलता था। उस मेन ड्रेन में मिलने जहां पे मिलता था वहां पे सम्प्स बना हुआ जिसको बोलते हो आप, उसको बोल सकते हो हौदी मलकुंड जिसको बोलते हो, ताकि वहां पे जो गंदगी जाएगी तो गंदगी जो जो कचरा है वो वहीं पे जम जाएगा और जो गंदा पानी है वो उसका फ्लो बना रहेगा और बाद में उस कचरे को आप निकाल लें। ये मॉडर्न सेंस ऑफ हाइजीन, ये मॉडर्न सेंस ऑफ सैनिटेशन है और इसकी उन्होंने उस टाइम उन्होंने इन चीजों को सोचा था। तो ये उनके ड्रेनेज सिस्टम और रोड्स के उनके पैटर्न थे। दूसरी चीजें इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो इनके जो घर थे तो घर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि जो मान लो ये रोड है तो रोड के जो साइड में एक ऐसा रूम होता था जिसमें कि कुआं होता था। माना यह जाता है कि अबाउट 700 वेल्स हैड बीन फाउंड इन हड़प्पा इन मोहनजोदारो, स्पेशली इन द सिंगल टाउन मोहनजोदारो मोर देन 700 वेल्स हैव बीन फाउंड। इसका मतलब लगभग प्रत्येक घरों में कुआं जरूर पाया जाता था और ये कुआं जो होता था उस रूम में, एक घर में कई रूम हो सकते हैं, उनके हाउस एक हाउस में कई रूम हो सकते हैं और रोड के साइड में जो रूम होता था उसी में से किसी एक में कुआं होता था ताकि आउटर्स भी जो बायपासर्स हैं जो रोड से जा रहे वो भी पानी पी सकता था। इनकी जो घर का एक प्लेटफॉर्म पे घर बनाया जाता था, घर का प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था फिर उस पे घर बनाया जाता था और इनके घर जो थे सिर्फ एक ही मंजिल नहीं दो मंजिल घर होने के भी अवशेष मिले हैं क्योंकि स्टेयर केसेस मिले हैं, इसका मतलब दूसरा मंजिल भी रहा होगा। तो ये चीजें हैं, बैक ब्रिक्स से बना हुआ घर था, बीच में कोर्ट यार्ड है आंगन जिसको बोलते हो आप, और आंगन याद रखना कि डायरेक्ट ऐसा नहीं था कि यहाँ पे गेट है और डायरेक्ट आंगन दिखे, ऐसा कुछ नहीं था। इनका प्राइवेसी मेंटेन किया जाता था, आंगन का गेट कुछ इस तरह था जिसका डायरेक्ट व्यू जो है वो आंगन से ना हो पाए, इस तरह का सिस्टम था। ये इनका बिल्कुल ही मतलब
बहुत ही मॉडर्न थिंकिंग थी, या कह सकते हो कि इनकी एक्चुअल थिंकिंग थी, प्राइवेसी बहुत मैटर करता था। और आंगन में काम क्या, स्पेशली समर वेकेशन में वीविंग का काम, जो बुनकर होते थे, कपड़ा बुनना, इस तरह के काम जो होते थे वो लोग ये करते थे, खाना बनाने का काम होता था। और रूम जो जो कुआं वाला रूम था, उस रूम में नीचे जो उसका फर्श था वो बैक ब्रिक से वो बनाया गया था, तैयार किया गया था इस तरह से। और एक दीवार के साथ जो मेन मतलब पानी जो है, जो वेस्टेज वाटर है, ड्रेन से, छोटे ड्रेन से बड़े ड्रेन में रोड के साइड में मिलता था, इस तरह से इनका घर का स्ट्रक्चर था। इनका जो जो खिड़कियां थी, खिड़कियां आपके आई व्यूज के लेवल पे नहीं थी, उससे ऊंचा होता था ताकि आप उनके घरों में झांक ना सके, तो प्राइवेसी बहुत मैटर करता था इनके। अगर देखा जाए इनको मेसोपोटामिया से अगर तुलना की जाए तो इनका जो थिंकिंग है प्राइवेसी या जो स्वच्छता को लेके बहुत आगे थी। मेसोपोटामिया के जो रोड थे, जो गलियां थी, वो तो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती, उसमें ब्लॉक काट नहीं जा सकता था, उस पे जानवर के पीठ या लोगों के पीठ पे ही सामान लेके जाया जा सकता था, और लोग कूड़ा करकट को रोड पे फेंक दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाउन मोहनजोदड़ो, ऐसे समझ आता है कि इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इनके रोड्स, इनके घर कितने उत्तम किस्म के थे। आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्थगित कर रोकता हूँ। दूसरे वीडियो जो सिक्स वीडियो होगा हमारा, ये पांचवा है, छठा वीडियो जो है वो हम दूसरे टॉपिक बनाएंगे। धन्यवाद।